तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लाइट डिटेल में, जहां पे आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैटमैन यूनिवर्स, मार्वल यूनिवर्स और डीसी यूनिवर्स के तीन कैरेक्टर के बीच वर्सेस बैटल के बारे में, जिनके नेम मैं आपको बता देता हूं। तो हमारे पास यहां पे सुपरमैन वर्सेस एटॉमिक्स वर्सेस इनक्रेडिबल हल्क, ये तीनों अपने अपने यूनिवर्स के काफी पावरफुल कैरेक्टर है, जिस वजह से आज हम इनकी बैटल कराने वाले हैं और देखने वाले हैं कि अगर ये तीनों कैरेक्टर आपस में वर्सेस बैटल करते हैं तो यहाँ पे विनर कौन होगा। तो अगर आप लोग भी ये जानना तो कि इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों कैरेक्टर की पावर्स के बारे में जान लेते हैं, ताकि इनकी वर्सेस बैटल का जो डिसीजन है वो बिल्कुल फेयर निकले। तो स्टार्ट करते एटॉमिक्स से। एटॉमिक्स फर्स्ट टाइम हमें बैटन ओमनीवर्स में देखने को मिला था, और ये बैटन का अब तक का सेकंड सबसे पावरफुल एलियन माना जाता है, यानी कि एलियन एक्स के बाद एटॉमिक्स ही वो एलियन है जो कि बैंटन का अब तक का सबसे पावरफुल एलियन है। अब इसकी पावर्स की बात कर ली जाए तो एटॉमिक्स जो फ्लाई कर सकता है साउंड की स्पीड से, ये स्पेस में सरवाइव कर सकता है, और इसके पास सन जनरेट करने की पावर है, और ये अपने पंचेस का यूज करके अपने ओपोनेंट को इजिली नॉकआउट कर सकता है। इसने बैटन ओमनीवर्स में अल्टीमेट ह्यूमंगसोर को सिर्फ अपने एक पंच से हरा दिया था। इसके अलावा एटॉमिक्स के पास न्यूक्लियर अटैक करने की भी पावर है, जिसका यूज करके ये अपने काफी पावरफुल ओपोनेंट को भी इजीली डिफीट कर सकता है। अब बात करते हैं इनक्रेडिबल हल्क के बारे में। तो इनक्रेडिबल हल्क के बारे में पूरी दुनिया में लगभग हर कोई जानता है कि ब्रूस बैनर एक नॉर्मल इंसान है, जिसके पास हल्क में ट्रांसफॉर्म होने की पावर है, जो कि उसकी सेकंड पर्सनैलिटी है। अब हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ब्रूस बैनर की जो पावर लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी स्ट्रेंथ लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसका यूज करके वो अपने ओपोनेंट्स के साथ बैटल करता है। इसके पास अपना खुद का एक हीलिंग फैक्टर है, जिस वजह से इसकी जो बॉडी है उस पर अगर कोई चोट लगती है तो ये दोबारा से अपनी बॉडी को हील कर लेता है। इसके हीलिंग फैक्टर की वजह से इसका जो स्टेमिना लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि ये बैटल करते हुए कभी भी नहीं थकता। वहीं पे बात कर ली जाए सुपरमैन के बारे में, तो सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास फ्लाई करने की पावर है, वो भी लाइट की स्पीड से। ये स्पेस में सर्वाइव कर सकता है, इसके पास एक्सरे विजन की पावर है, और सुपरमैन के पास हीट विजन की पावर है, वाइंड ब्रेथ का यूज कर सकता है। इसके अलावा इसकी स्ट्रेंथ लेवल काफी ज्यादा है, अपने पंचेस का यूज करके अपने ओपोनेंट को इजिली नॉकआउट कर सकता है, और सुपरमैन के पास भी अपना खुद का हीलिंग फैक्टर है, जिस वजह से अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकता है। इसके पावर के सोर्स की बात कर ली जाए तो सुपरमैन को जो है सन से पावर मिलती है, और सुपरमैन सन के जितना पास रहता है उसकी पावर लेवल उतनी ही ज्यादा बढ़ती रहती है। अब इन तीनों कैरेक्टर की पावर्स के बारे में जानने के बाद अब डायरेक्टली बात करें कि इन तीनों कैरेक्टर में कौन इस वर्सेस बैटल का विनर होगा। तो देखो गाइस, जो लोग यहां पे एटॉमिक्स को काफी ज्यादा वीक एलियन समझ रहे हैं इन दोनों के मुकाबले, तो एटॉमिक्स इतना ज्यादा कैपेबल है कि अपनी पंचेस का यूज करके जैसे थानोस ने इनक्रेडिबल हल्क को नॉकआउट किया था, वैसे एटॉमिक्स भी हल्क को नॉकआउट कर सकता है। और यहाँ पे एटॉमिक्स के पास न्यूक्लियर अटैक करने की भी पावर है, लेकिन अगर एटॉमिक्स न्यूक्लियर अटैक का यूज करता है तो यहाँ पे हल्क को वो कभी भी हरा नहीं पाएगा, क्योंकि हल्क जो है वो न्यूक्लियर अटैक से मर नहीं सकता। अगर एटॉमिक्स ऐसा करेगा तो हल्क की जो पावर लेवल है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अगर इनकी बैटल होती है, और वो भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, तो एटॉमिक्स इस बैटल को जीत सकता है। लेकिन हम लोग ये बात जानते हैं कि बैटन जब भी एटॉमिक्स का यूज करता है तो ज्यादातर न्यूक्लियर अटैक का ही यूज करता है, जिस वजह से यहाँ पे हल्क की जो पावर लेवल है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद इनक्रेडिबल हल्क जो है एटॉमिक्स को डिफीट कर देगा। तो एटॉमिक्स वर्सेस इनक्रेडिबल हल्क में देखा जाए तो इनक्रेडिबल हल्क जो है एटॉमिक्स को डिफीट कर सकता है, लेकिन एटॉमिक्स की बैटल सुपरमैन के साथ कराएं तो सुपरमैन एटॉमिक्स को कुछ ही सेकंडों में डिफीट कर सकता है। हालांकि सुपरमैन को डिफीट करने के लिए एटॉमिक्स के पास न्यूक्लियर अटैक करने की पावर है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब भी एटॉमिक्स उस टाइम पे उसको काफी ज्यादा टाइम लगता है न्यूक्लियर अटैक करने में, तब तक गाइस सुपरमैन अपनी लाइट की स्पीड का यूज करके एटॉमिक्स को इजीली डिफीट कर चुका होगा। तो यहाँ पे इन तीनों पावरफुल सुपर हीरोज की बैटल में एटॉमिक्स सबसे पहले बाहर हो जाएगा। अब बात करते हैं इनक्रेडिबल हल्क वर्सेस सुपरमैन के बारे में। तो अगर सुपरमैन के साथ इनक्रेडिबल हल्क की बैटल होती है तो सुपरमैन इनक्रेडिबल हल्क को जो अपने पंचेस का यूज करके नॉकआउट कर सकता है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो सुपरमैन के पास ऐसी काफी सारी एबिलिटीज हैं, जैसे कि वो इनक्रेडिबल हल्क को स्पेस में ले जाके स्पेस में फेंक सकता है, या फिर वो किसी और पावर का यूज करके भी इनक्रेडिबल हल्क को डिफीट कर सकता है, क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि सुपरमैन और हल्क में सुपरमैन का जो पावर लेवल है वो काफी ज्यादा है, जिस वजह से इन दोनों कैरेक्टर में अगर चूज करना है तो हम यहाँ पे सुपरमैन को पिक करना चाहेंगे, क्योंकि सुपरमैन जो है एक बैटल को काफी ज्यादा लंबे टाइम तक कंटिन्यू कर सकते हैं, जबकि इस बैटल में हल्क के काफी
काफी हाई चांसेस है कि वो नॉकआउट हो जाएगा। तो इन तीनों करेक्टर में सुपरमैन ज्यादा पावरफुल है, जिस वजह से इस बैटल का जो विनर है वो है सुपरमैन। अब यहाँ पे गाइस सुपरमैन इस वर्सेस बैटल का विनर बन चुका है, लेकिन अगर आप लोग किसी और करेक्टर के बीच वर्सेस बैटल चाहते हो तो नीचे कॉमेंट करके मुझे बता देना। आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए गाइस, मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पहले अपलोड की गई सारी वीडियोस देख लेना, वो काफी ज्यादा ऑसम है, एक बार चेकआउट कर लेना।